बुजुर्ग भूस्वामी को पीटने और एसपी को धमकाने वाले पर मुकदमा। सार्वजनिक मंच से एसपी बलरामपुर की वर्दी उतरवा देने की धमकी पर एसपी देवरंजन ने दर्ज कराया मृगेंद्र उपाध्याय पर मुकदमा। मृगेंद्र उपाध्याय और उनके भाई दीपेंद्र उपाध्याय को पुलिस ने संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया। खुद वादी बनाकर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर देवरंजन वर्मा ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। साथ में थाना कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार को आरोपी मृगेंद्र उपाध्याय द्वारा दी गई गंदी गंदी गालियों की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। दीपेंद्र उपाध्याय द्वारा अपने साथियों के साथ भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास का विरोध करने वाले वृद्ध और अशक्त भूस्वामी को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से मारने पीटने का वीडियो भी हुआ था वायरल। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर न्याय की मांग की। कोतवाली देहात में दिए गए तहरीर में एसपी देवरंजन वर्मा ने आरोप लगाया है कि मृगेंद्र उपाध्याय और दीपेंद्र उपाध्याय सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान करके न केवल मेरी मानहानि कर रहे हैं, साथ ही साथ मुझे हत्या के अभियोग में फंसाने के लिए साजिश भी कर रहे हैं। जनपद बलरामपुर में एक सार्वजनिक मंच से यहाँ पर एक तथाकथित वकील है जिसका नाम है मृगेंद्र उपाध्याय, उसने सार्वजनिक मंच से मेरे बारे में, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के बारे में काफ़ी अभद्र वार्तालाप किया। उसने ये धमकी दी कि हम एसपी बलरामपुर की वर्दी उतरवा लेंगे, इनको पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देंगे, और उसके अलावा उसने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न केवल हमारे लिए किया बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए किया। इस प्रकरण की जब जानकारी आई तो इसमें और गहनता से छानबीन कराई तो ये मृगेंद्र उपाध्याय और इसका भाई है दीपेंद्र उपाध्याय। दीपेंद्र उपाध्याय एक फर्जी पत्रकार है और ये लोग पुलिस पर, आम जनता के ऊपर इसी प्रकार से दबाव बना करके उन पर अपनी पत्रकारिता की वकालत की धौंस जमा करके ये उन लोगों से अवैध उगाही करते हैं और अपने जितने भी अवैध धंधे हैं ये उनको संचालित करते हैं। इन लोगों के ऊपर, दोनों ही भाइयों के ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे भी पंजीकृत हैं इन लोगों के ऊपर और इनकी बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति है इनकी। और हाल में ही अभी इसका भाई जो है दीपेंद्र उपाध्याय, इसके ऊपर थाना कोतवाली नगर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसी अभियोग पंजीकृत जो हुआ था उस पर के लेके ही दबाव बनाने के लिए इसने मेरे ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। इस पे कल रात में हमने इसके खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई खुद जाकर के थाना कोतवाली देहात में, और उसके बाद जब पूरी लिखा पड़ी हुई, सुबह जब इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया तो उसमें मृगेंद्र उपाध्याय के पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ और इसने पूरी साजिश ये रच रखी थी कि ये अपने ऊपर झूठी चोट बना करके, चाहे कि झूठी तरह से फायर करवा करके अपने आप को घायल करके, और ये हमको फंसाने की पूरी इसने साजिश कर ली थी। तो इन दोनों ही जो षड्यंत्रकारी, ये दोनों ही जो भाई हैं, इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है और इनके खिलाफ हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं।